शहबाज शरीफ को इजाजत, निजाम की बोसीदगी जाहिर करती है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की घनगरज, कहा वजीर आजम की शरीफ खानदान से जाती लड़ाई नहीं। शरीफ खानदान ने अपने दौरे इकतदार में अरबों रुपए बाहर भेजे, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से लंदन में जायदादें बनाई गईं। शहबाज शरीफ को बाहर भेजना दीगर कैदियों से ज्यादती करार दे दिया। कहा आम आदमी समझेगा मुल्क में दो अलग कानून है। यास्मीन राशिद ज्यादा बीमार है लेकिन यही इलाज करवा रही है, शहबाज शरीफ यहाँ क्यों नहीं इलाज करवा सकते। इमरान खान नून लीग की कामयाबी से खौफजदा, तब्दीली सरकार तीन साल से शहबाज शरीफ और नून लीग की किरदार कुशी कर रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नैब के रेफरेंस अलिफ लैला की कहानी करार, एक एक करके सबकी हकीकत सामने आ रही है। सऊदी वजीर खारिजा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कहा इस्लामोफोबिया के खिलाफ ओआईसी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए, अदम बर्दाश्त के सारे मसाइल जेरे बहस आने चाहिए। कातिल कोरोना बेलगाम, वायरस मजीद 118 इंसानी जाने निकल गया। अम्बाद की मजमू तादाद 18,915 हो गई, 3,785 नए केसेज रिपोर्ट। शुक्र है वबा ने पाकिस्तान को पड़ोसी मुमालिक की तरह नहीं जकड़ा, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का दावा। कहा शहरी खुद को हिफाजत में रखें, रमजान और ईद में स्मार्ट लॉकडाउन और एसओपी पर अमल दरामद करें। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन, सिंध में कारोबारी मराकज बंद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सिर्फ ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाजत। तालीमी इदारों की बंदिश में भी 23 मई तक तौसी। पख्तूनख्वा में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी, लेकिन महकमा रेलवे का 10 से 16 मई तक ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन पिशावर से 10 मई को रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। पाकिस्तानियों पर पाबंदी, गैर मुल्कियों को आजादी, ईद पर सियाहती मकामात बंद रहेंगे। अयूबिया जाने वाले रास्तों पर 7 चेक पोस्टें कायम, मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड दिखाकर जाने की इजाजत। गलियात में होटल और रेस्टोरेंट बंद, पख्तूनख्वा महकमा सेहत ने गैर मुल्कियों को इस्तिस्ना दे दिया। बाहर से आए हुए सिया मनफी कोरोना टेस्ट दिखाकर कहीं भी घूमने जा सकते हैं। कोरोना ने भारत में तबाही फेर दी, मुसलसल चौथे रोज 4 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, 4,135 अफराद लुकमाए अजल बने। मशहूर मेडिकल जरीदे लॉनेस्ट की मोदी पर तनकीद, कहा भारतीय वजीर आजम की तवज्जो कोरोना वबा की कंट्रोल करने में कम है, मोदी माफी के लायक नहीं है। नेपाल में कोरोना इन्फेक्शन में तेजी, भारत जैसे बुरहान का खदशा। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म श्रीलंका और बांग्लादेश भी पहुंच गई। दुनिया भर में कोरोना से 32,97,000 हलाकतें, 15,84,00,000 मरीज। अमेरिका में 5,95,600, ब्राजील में 4,21,500, भारत में 2,42,400, मेक्सिको में 2,19,000, रूस में 1,13,000, फ्रांस में 1,06,300, बरतानिया में 1,27,600 और सऊदी अरब में 7,060 अमवात। मावा ठंडियां छावां, दुनिया भर में आज माओ से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। माँ वो हस्ती है जो हर दुख सह जाए मगर बच्चों पर आंच ना आए। और वजीर आला उस्मान बुजदार कहते हैं माँ से मोहब्बत आलमगीर जज्बा जो किसी दिन का मोहताज नहीं। हमारा हर दिन माँ की मोहब्बत से मामूर होता है। वतन अजीज के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले शहदा की माओ को सलाम। आज मैं जिस मकाम पर हूँ उसमें मेरी माँ की दुआएं शामिल हैं। जिंदगी में कामयाबियों के लिए खुद को आज भी वालिदा की दुआओं का मोहताज समझता हूँ।